नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2018 के UBPCL JEE को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपने शुरू से काफ़ी सारे पेपर को यहाँ पे लगाया और हम लोग इस कंटिन्यूस वे में एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं। दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। बहुत अच्छे से आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए और एक एक चीज़ देखते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 21 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड बाय द पावर एम्पलीफायर फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पावर एम्पलीफायर में आपके पास चार प्रकार के बेसिक एम्पलीफायर होते हैं। एक क्लास ए, ध्यान से सुनेंगे, एक क्लास बी, एक ही क्लास बी होता है, इसके बीच में होता है ए बी, और इसके नीचे होता है बिल्कुल क्लास सी। तो ये चार प्रकार के बेसिक हमारे पास पावर एम्पलीफायर होते हैं। बात की गई इम्पीडेंस मैचिंग की, तो क्लास ए और क्लास बी में साधारणतः हम लोग दो प्रकार की कपलिंग का यूज़ करते हैं। एक होता है आरसी कपल्ड और एक होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। आरसी कपल्ड और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, आरसी कपल्ड में किसी भी प्रकार की इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होती, जबकि ट्रांसफॉर्मर कपल्ड में इम्पीडेंस मैचिंग होती है। इम्पीडेंस मैचिंग मीन्स हो गया कि जो दो कॉयल हैं, इन दोनों कॉयल का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना, जिससे इम्पीडेंस में इसके परिवर्तन आ सके। तो इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर कपल्ड में होगी। तो यहाँ पे तो सिंपली यही पूछा था किस कपलिंग में होगी, तो आंसर है ट्रांसफार्मर कपल्ड। एफिशिएंसी क्वेश्चन पूछता, क्लास ए की एफिशिएंसी सबसे कम होती है, क्लास ए की एफिशिएंसी सबसे कम होती है और क्लास सी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा गया है, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगला दिया गया है आपको, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर के क्रिटिकल डेंसिटी पर इफ़ेक्ट डालता है, है ना? तो ये कौन सा है? तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्रिटिकल डेंसिटी होती है, देखिए बी बराबर आपके पास बेसिकली होता है म्यू एच। बी बराबर क्या होता है? म्यू एच। बी बराबर होता है म्यू एच, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि म्यू इक्वस टू जाई माइनस वन, जाई एम माइनस वन। जाई एम मीन्स होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी माइनस वन, और ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द सुपर कंडक्टर। तो किसी भी सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल डेंसिटी जो होगी वो किसके कारण से चेंज हो जाएगी? तो क्रिटिकल डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है, तो इसका इफेक्ट किस पे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसका भी इस पर भी प्रभाव पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इसमें म्यू आ रहा है, तो म्यू किस पे निर्भर करता है? ससेप्टेबिलिटी पे। ससेप्टेबिलिटी निर्भर करता है टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर पे भी निर्भर करेगा। यानी कि ए और बी, दैट मीन्स यहाँ पे एक दूसरे में डी ऑप्शन करके दिया है, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज यूज फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर रेक्टिफायर की तरह काम करा रहा है किसी भी एक डायोड को, तो उस स्थिति में पॉजिटिव इस साइड और इस साइड नेगेटिव देना पड़ता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, तभी ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है किसी भी सर्किट में। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तभी ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में आएगा और एक इसके अक्रॉस हमें आउटपुट प्राप्त हो पाएगा। अगर ये सिलिकन का है तो आपको ये डायोड के अक्रॉस 0.7 देगा, और जर्मेनियम के लिए है तो ये 0.3 देगा, और अगर गैलियम आर्सेनाइड का यहाँ पे यूज किया गया है इस डायोड को बनाने के लिए तो 1.48 आपको यहाँ पर वैल्यू देता है। इसका मतलब 1.48 देने पर ही ये काम करेगा, इससे नीचे के वोल्टेज पर फॉरवर्ड बायस स्थिति में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर ये सिलिकन का होगा तो 0.7 तक आने से पहले तो यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर 0.7 जैसे ही मिल जाएगा तो ये एकदम से कंडक्ट कर जाएगा। तो कुल मिला के आंसर हो जाता है फॉरवर्ड, इसीलिए इसका आंसर है फॉरवर्ड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेमी कंडक्टर ब्रेकडाउन। तो सेमी कंडक्टर ब्रेकडाउन आने में इनमें से कौन सा सही है? तो सेमी कंडक्टर ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ कि देखिए दो प्रकार के हमारे पास ब्रेकडाउन होते हैं जो कि एक जीनर डायोड में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके पास एक जीनर डायोड है जहाँ पर दो ब्रेकडाउन होंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें तो एक इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक आती और एक ऐसे आती। तो ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो है तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेकडाउन आएगा वो एवलांची आता है, और फिर कौन सा आता है, फिर आता है आपका जीनर ब्रेकडाउन। एक 6 वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है और एक 8 वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है ना। तो इसमें ये पूछा गया, तो आंसर यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, बोथ द जीनर ब्रेकडाउन अकर इन अ जंक्शन विच आर लाइटली डोप। तो ये लाइटली डोप में ही होंगे, नहीं आपका जो बना होता है ये पी और एन का बना होता है, जिसमें ये जीनर है तो ये आपका हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। लाइटली डोप की बात आती नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको समझें देखें तो आप जानेंगे कि इसमें पहला ऑप्शन कैसा होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है नन ऑफ दिस, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। द जीनर ब्रेकडाउन अकर इन अ जंक्शन विच इज लाइटली डोप, तो जीनर ब्रेकडाउन बाद में होगा लेकिन ये हाईली डोप के कारण होगा, तो ये भी गलत हो गया। एवलांची ब्रेकडाउन अकर इन अ जंक्शन विच इज हाईली डोप, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, है ना। तो एवलांची ब्रेकडाउन होगा और हाईली डोप की कंडीशन में होगा, तो इट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, विच लॉ स्टेट दैट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर वेन एवर इट कट द फ्लक्स, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जब फ्लक्स कटता है, ये सिद्धांत किसने बताया? तो आपको पता है ई बराबर होता है एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी, और इसी को हम लिखते हैं ई बराबर डी साइन बाई डी टी, और साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन फाई है, क्योंकि यहाँ पे साइन का मतलब क्या है, एन फाई नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स जनरेटेड इन अ पर्टिकुलर टर्न्स। तो कितने टर्न्स हैं उन पूरे में, ओवरऑल फ्लक्स की बात करेंगे तो इसे साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ, और ये होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, तो इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों, विच चार्जिंग मेथड इज प्रिफर्ड टू अवॉइड सल्फेशन ऑफ बैटरी। सल्फेशन ऑफ बैटरी मतलब हमारे पास जो बैटरी है ये ज़्यादा समय तक काम करे, इसकी चार्जिंग पॉइंट वैल्यू कम ना हो, मिनिमम टाइम में चार्ज हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो बोथ इनिशियल चार्जिंग एंड ट्रिकल चार्जिंग, इन दोनों का उपयोग करना पड़ेगा, क्विक चार्जिंग या ट्रिकल चार्जिंग या फिर इनिशियल चार्जिंग। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब होता है धीमी चार्जिंग, मतलब नॉर्मल काफ़ी समय तक हम इसको लगा रहने देते तो चार्ज ही आराम से होता रहता है, फिर काफ़ी समय तक ये आपका धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। तो अगर हम सोचें कि एकदम से इसको चार्ज कर दें तो इसका डिले टाइम बाद में बढ़ जाएगा, तो ट्रिकल चार्जिंग का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। Which law is a consequence of the law of conservation of energy? तो कौन सा law conservation of energy पर निर्भर करता है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर दिया गया है लेंज लॉ पहला। तो लेंज लॉ तो भैया करंट के सिद्धांत को बताता है कि करंट किस प्रकार से फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, फैराडे ई बराबर डी एन फाई बाई डी टी इसको बताता है ना, एन फाई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को बताता है। कैपलर इक्वेशन सूर्य के सिद्धांत को बताता है ना, और मोरे इक्वेशन एक फ्लो को दर्शन को बताता है आपको। खैर यहाँ पे पूछा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी वहीं होती है जहाँ पे करंट होता है, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला हमारे पास, और हमने बोला भी है कि लेंज लॉ करंट को बताएगा और करंट आ गया यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये शो करेगा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग, तो इम्पीडेंस आने का एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए इम्पीडेंस मैचिंग आने के कारण हमने इम्पीडेंस मैचिंग किस में होता था, ट्रांसफार्मर कपल में होता था। और इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है, यहाँ पर इसका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है मैग्नेटिज्म का, और इसके प्रभाव पड़ने से इसमें उपस्थित जो पावर होती है वो धीरे धीरे लॉस होती है, और पावर लॉस होती है तो इसमें आने वाला जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, डिस्टॉर्ट होगा। कैसा होगा, डिस्टॉर्ट, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गिव्स द डिस्टॉर्टेड आउटपुट, गिव द डिस्टॉर्टेड आउटपुट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। विच इज टू बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पावर एम्पलीफायर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इफिशेंसी मैक्सिमम होना। तो क्लास सी की इफिशेंसी सबसे मैक्सिमम होती है, जबकि क्लास ए की मिनिमम होती है 25%। क्लास ए की 25% और सी की होती है आपकी 87.5%। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। खैर, यहाँ पे पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर एम्पलीफायर, तो बायसिंग को शो करता है ये? नहीं, कलेक्टर एफिशिएंसी को। यस, जो आउटपुट होगा ये एफिशिएंसी को मेनली दर्शाएगा। दैट मींस कलेक्टर एफिशिएंसी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट फिनोमेना कंट्रोल द कंट्रोलिंग टॉर्क इन अ मैगर। तो मैगर में कंट्रोलिंग कौन करता है, है ना? कंट्रोल द कंट्रोलिंग टॉर्क इन अ मैगर। तो मैगर में कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह किसका उपयोग किया जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए? तो कॉइल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मैगर क्या होता है? मैगर एक हाई रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। क्या है? हाई रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, है ना? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मेजर करते हैं? मैगर के द्वारा करते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए जिस कंट्रोलिंग टॉर्क का उपयोग करते, तो ये कंट्रोल कहाँ पर किया जाता है? कॉइल के द्वारा किया जाता है, या किसी आयरन के द्वारा, या स्प्रिंग के द्वारा, या अर्थ के द्वारा? तो कॉइल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो मैगर में कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉइल का उपयोग करते हैं, ना? चलिए नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द मल्टीपल शंट और सीरीज रेजिस्टेंस इनसाइड द मीटर। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, मल्टी रेंज मीटर जो होते हैं उन्हीं में हम इसका उपयोग करते हैं। वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ट्रांजिएंट विल नॉट अकर। तो आपको पता है रजिस्टर में ट्रांजिएंट नहीं होता, जबकि आर एल सी में एल और सी में ट्रांजिएंट होता है। यही ओपन और शॉर्ट हो जाते हैं, रजिस्टर ओपन शॉर्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे प्योर रजिस्टर हो जाएगा। कैलकुलेट द एफिशिएंसी इन हर्ट्ज ऑफ द 10 पोल्स एसी जनरेटर विच इज़ रोटेड एट 1800 आरपीएम। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास n बराबर 120 एफ बाई पी होता है। तो 1800 बराबर 120 एफ बाई पी कितना है? 10। इससे कैंसिल आउट होगा ये, 12 से हम इसे काट देंगे। तो 12 से जाएगा कितने बार? लगभग 15 और ये 150, दैट मींस 150 और आंसर। तो 150 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। इतना 8.6 वोल्ट नॉमिनल जीना डायोड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द नॉमिनल वोल्टेज 9.4 वोल्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, RT बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ये फॉर्मूला होता है। हम लोग दोनों में अगर आई का गुणा करें तो इसको लिख सकते हैं बीटी बराबर बी नॉट 1 प्लस एल्फा टी। तो ये वोल्टेज के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। बीटी आपका दिया गया है, इसमें बीटी हम 100 वोल्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लें तो ये हो जाएगा 9.4, है ना? बी नॉट जो हो गया 30 डिग्री पर मान लें तो ये हो गया 8.6। और 1 प्लस एल्फा टी में टी की जगह क्या आएगा? टी की जगह आप बोल दें 100 माइनस 30, दैट मींस 70 डिग्री, दैट मींस 70। तो 9.4 माइनस 8.6, सॉरी अपॉन करेंगे 8.6 और माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.8 अपॉन 8.6। ठीक है, और अपॉन 70 कर देंगे, तो आप जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1321। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ये दिया है 0.1142, ये आपको गलत दिया गया है। यहाँ पे UPPCL ने आंसर गलत दिया है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4 0.1321। ठीक है, आप इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफ बॉट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस किस मटेरियल का बनता है? यूरेका का बनता है, कॉन्स्टेंटन का बनता है, मैंगनीन का बनता है और कॉपर का बनता है। ये चार मटेरियल में से अपन किसी भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दे रहा है आपको। तो यहाँ पे दिया मैंगनीन और कॉपर, तो यहाँ पे हम ऑप्शन थर्ड विल भी कलेक्ट कर देंगे। तो यानी कि आपको ये दोनों दिए मैंगनीन और कॉपर, तो आपको आइडिया होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द एमीटर फॉलोअर एसी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एमीटर फॉलोअर का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर। क्या होता है मित्रों? कॉमन कलेक्टर। तो यानी कि ऊपर एमीटर आ गया, इधर पे आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर कैसा हो गया? कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये आपका शुरुआत में बेस है, ऊपर एमीटर है, तो इधर पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? बी ई सी
बी ई सी हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो बी बी सी हो जाएगा, वो बी बी सी हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए इस सर्किट में कि एमीटर फॉलोअर यानी कि कॉमन कलेक्टर में आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होगा, तो आउटपुट इम्पीडेंस इस केस में लो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लो। और ये इनपुट कैसा होगा? तो इनपुट आपका हाई होगा, आउटपुट पूछा है तो लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्टर टू एमीटर पर लो होता है ना। और आपका अगर बात करें बेस की तरफ इनपुट इम्पीडेंस बात करें तो ये आपका हाई हो जाता है। तो ये आपको उनको क्लियर होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, तो इनमें से किस में मीज किया जाता है, किस में मेजर करते हैं? जैसे अगर मैं बता दूँ, आपसे पूछ लूँ परमानेंट मैग्नेट अमीटर है ना, परमानेंट मैग्नेट है तो ये डीसी को मेजर करता है, मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी एसी और डीसी करंट को मेजर करता है, इंडक्शन की बात करते हैं तो ये ओनली एसी को करता है, ओनली एसी, और ये परमानेंट मैग्नेट अमीटर है ओनली डीसी। तो अगर इसमें पूछ सकते थे डीसी करंट इज मेजर्ड, तो आपका परमानेंट मैग्नेट अमीटर होता। अगर सिर्फ एसी पूछा है तो आंसर होगा इंडक्शन अमीटर। एसी डीसी दोनों पूछते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मूविंग आयरन दोनों ही यहाँ पे होते। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी इन द सुपर कंडक्टर, तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आया था, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टेम्परेचर दोनों इसमें होती हैं, बी बराबर म्यू एच, बी बराबर म्यू एच। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्ली इफेक्ट इन अ बीजेटी, तो अर्ली इफेक्ट जब इसमें आता है तो यानी कि जो आपका एमिटर और बेस और कलेक्टर होता है तो एरिया कैसा होता है? थिन होता चला जाता, और जब ये थिन होता चला जाता तो इसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्या बोलते हैं मित्रों? इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। तो एक ही बात है, तो यहाँ पे बेस नैरोइंग दिया, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला है सेलेक्ट आउट द एडवांटेज ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन मोटर ओवर द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विल बी, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर सिंगल फेस की अपेक्षा ज़्यादा यूजफुल है, उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण होता है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग है, वेरी गुड, थ्री फेज तो सेल्फ स्टार्टिंग ही होगी, बेटर पावर फैक्टर, यस बिल्कुल, हाई इफिशेंसी, और ये भी होगा। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 1, 2, 3 करके दिया गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से ये पेपर क्लियर हुआ होगा। जो लोग भी पेपर कंटिन्यूस तरीके से लगा रहे हैं, देन दे विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब दोस्तों, जय हिंद।